माने माय डियर स्टूडेंट, देखिए जो आपका एक हाल फिलहाल तथा इधर जो चैप्टर्स था, इस चैप्टर्स में मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का गुण बता रहा था, रासायनिक गुण। उस रासायनिक गुण में आज हम लोग पढ़ेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या है। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। क्या होता है SOCl2, अर्थात कहने का मतलब कि जब हम इल्केनॉल को थायोनिल क्लोराइड के साथ मिला करके पीरीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से एल्कीन क्लोराइड प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। देखिए कैसे अभिक्रिया होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, R OH होता है, और इसको हम किसके साथ मिलाएंगे तो SOCl2 के साथ, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, और इसको किसके उपस्थिति में, पीरीडीन की उपस्थिति में। पीरीडीन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कराएंगे तो मुख्य रूप से हमारा यहाँ का आर और इसमें गए तो क्लोरीन, ये क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा प्लस। इसके साथ साथ देखिए SO और इसमें गए तो क्या बन जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस एच और इसमें का सीएल क्या बन जाएगा आपका HCl अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रक्रिया हो जाता है। अब एग्जाम्पल्स के लिए चलेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर CH3 अगर लिया गया हो, CH3OH प्लस देखिए SOCl2 का आता है यहाँ पर है ठीक, और इसके बाद से यहाँ पर पीरीडीन की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ CH3 और इसमें गए तो क्लोरीन, क्या हो गया CH3Cl हो गया प्लस, ध्यान दिए इसमें का SO और इसमें का एक तो क्या हो जाएगा आपका SO2 प्लस, ध्यान दिए इसमें का एच और इसमें का सी एल क्या हो जाएगा आपका HCl हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका SO2 हो गया, और ये जो आपका क्या HCl हो गया ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो जाता है ठीक। तो जो आपको हेली दिए हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, जस्ट उसके नीचे इन दोनों रासायनिक समीकरण को आपको क्या लिखिए हो गया। अब नोट करने के बाद से आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, अगला हेडिंग देंगे एल्कोहलों के उपयोग, क्या हेडिंग होगा हमारा एल्कोहलों के उपयोग। देखिए एल्कोहल जो होता है इसका कई उपयोग होता है, जिसका अध्ययन हम लोग को एक एक करके करना है। अब देखिए इसमें पहला उपयोग क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा लिखेंगे। एल्कोहलों के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, हो गया। और पहला था लिखो सीरियल नंबर का, जैसे पहला आपका क्रम संख्या जो पहला है वह क्या होगा, देखिए जो एल्कोहल होता है ठीक है ना, जिसको हम एल्केनॉल भी कहते हैं, अर्थात एल्कोहल सकते हैं, एल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक का मतलब क्या होता है, किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं ठीक। चलिए इसमें कीजिए तो पहला एल्केनॉल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा ध्यान दीजिए इसमें जैसे मेथेनॉल भी जो है एक प्रकार का एल्केनॉल होता है, जिसका सूत्र CH3OH होता है, और मेथेनॉल जो होता है इस मेथेनॉल का उपयोग जैसे तेल हो गया, गोंद हो गया इत्यादि के विलायक के रूप में किया जाता है। चलिए थोड़ा लिखिए तो दूसरा उपयोग लिखिए मेथेनॉल का उपयोग वसा
कामातेल, कामागोद इत्यादि के लिए विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। तीसरा छंद एल्कोहलों का उपयोग जो है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक, तीसरा कार्बनिक यौगिक के निर्माण में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो तीसरा नोट किए तो एल्कोहलों का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। हो गया चौथा। अगला ध्यान दीजिए बाबू, देखिए जो आपका इसमें एल्कोहल होता है उस एल्कोहल का उपयोग फार्मेलिन बनाने में भी किया जाता है। थोड़ा लिखिए, एल्कोहल का उपयोग फार्मेलिन बनाने में किया जाता है। हो गया, अब इसके बाद पांचवा ध्यान दीजिए, जो आपका एथेनॉल होता है इस एथेनॉल का उपयोग, यानी एथेनॉल जो आपका है एथेनॉल का उपयोग पेंट के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पेंट के निर्माण में। तो अगला लिखिए इसमें जो एथेनॉल जो आपका क्या है, एक प्रकार से कहिए तो एथेनॉल भी आपका एक दृष्टि से एक एल्कोहल ही होता है। ठीक ना, तो चलिए इसमें लिखिए तो एथेनॉल का उपयोग पेंट के निर्माण में किया जाता है। हो गया, अगला एथेनॉल का उपयोग, अगला पॉइंट में लिखिएगा एथेनॉल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। हो गया, चलिए अब इसके बाद से जो है नेक्स्ट हेडिंग देंगे मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ध्यान दीजिए अब मेथिल एल्कोहल एक विशेष प्रकार का एल्कोहल होता है जिसका अणुसूत्र CH3OH होता है। इसका IUPAC नाम मेथेनॉल होता है और इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बिनॉल भी कहते हैं। और एल्केनॉल सजातीय श्रेणी का यह प्रथम सदस्य होता है। क्या होता है, प्रथम सदस्य, यानी पहला सदस्य होता है मेथेनॉल, जो आपका एल्केनॉल सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। प्रकृति में यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, प्रकृति में क्या है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए, तो मेथिल एल्कोहल जो हेडिंग दिए हैं इसमें लिखिए मेथिल एल्कोहल एक विशेष प्रकार का एल्कोहल होता है, एक विशेष प्रकार का एल्कोहल होता है जिसका अणुसूत्र CH3OH, जिसका अणुसूत्र CH3OH होता है। इसका IUPAC नाम मेथेनॉल, मेथेनॉल होता है। तथा तथा इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं, तथा इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं। कार्बिनॉल ऐसे होता है, इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं, गलत मत लिखिएगा, ठीक ना, कार्बिनॉल भी कहते हैं। हो गया, अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा एल्केनॉल सजातीय श्रेणी का, एल्केनॉल सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल होता है। प्रकृति में यह
स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। प्रकृति में यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। हो गया। अब जो है मेथेनॉल अर्थात मेथिल अल्कोहल के विषय में आप लोगों ने क्या किया, समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मेथिल अल्कोहल के विरचन की विधियां, यानी मेथिल अल्कोहल के विरचन की विधियां, मेथिल अल्कोहल के विरचन की विधियां, ध्यान दिया। देखिए इसके विरचन की कई सारे, विरचन का मतलब होता है कि इसके निर्माण की, यानी मेथिल अल्कोहल के निर्माण की हम बात करते हैं। तो देखिए मेथिल अल्कोहल के निर्माण की कई विधियाँ होती हैं जिसका अध्ययन हम लोग को एक एक करके करना है। पहले इसमें थोड़ा लिखेंगे, मेथिल अल्कोहल के विरचन की, मेथिल अल्कोहल के विरचन की कुछ प्रमुख विधियाँ, कुछ प्रमुख विधियाँ इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं। हो गया। अब पहला हेडिंग देंगे, पहला आपका हेडिंग होगा हैलो एल्केन सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हैलो एल्केन से किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है, ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कैसे किस प्रकार से आप हैलो एल्केन के द्वारा जो मेथेनॉल है उस मेथेनॉल को प्राप्त करना है। जैसे हैलो एल्केन में हम जब मेथेनॉल को बनाना होता है तो उस समय मेथिल हाइलाइट में लेते हैं, इसको लेते हैं मेथिल हाइलाइट अर्थात CH3X। मेथिल हाइलाइट को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर जब अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के परिणाम स्वरूप, देखिए यहाँ इन दोनों के बीच का जो बांध टूटता है और इसके बीच का बांध टूटता है और यहाँ पर CH3OH बन जाता है। क्या बन जाता है, CH3OH बन जाता है। प्लस इसके साथ साथ Na और यहाँ पर जो यक्स है ये क्या बन जाता है, NaYx यानी सोडियम हैलाइड बन जाता है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जब यहाँ एक जगह है यहाँ पर इसको आप दोनों को मिलाकर गर्म कर देंगे, ठीक है ना। यानी जब हम हैलो एल्केन के रूप में मेथिल हैलाइड को, बस इसको लिया गया है मेथिल हैलाइड को लिया गया है और इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म किए हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम हैलाइड क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में लेना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया है आपका CH3 हो गया है मेथिल हैलाइड प्लस NaOH हो गया हूँ, इसके साथ मिला करके जब आप क्या करेंगे गर्म करेंगे तो देखिए क्या हो CH3 और इसमें का OH क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका मेथेनॉल हो जाएगा प्लस यहाँ से NA और इसमें का आई क्या हो जाएगा NaI हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा क्या है जो मेथिल अल्कोहल है वह प्राप्त हो जाता है। तो जो आप हेडिंग दिए हैं हैलो एल्केन से तो उस हैलो एल्केन में इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए और सबका नाम इसका मेथिल हैलाइड ये भी नोट कीजिए, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मेथिल अल्कोहल अर्थात मेथेनॉल और इसका सोडियम हाइड्राइड, इसका नाम होता है मेथिल आयोडाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह क्या होगा मेथिल आपका मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल और ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है दोनों अभिक्रिया में क्या दिखता है मेथिल अल्कोहल जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो जो आप हेलो एल्केन से लिखे हैं उसको जिस रिएक्शन को लेकर के इसका नाम नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, नोट करने के बाद से जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि इसमें मैं आपको हैलो एल्केन से बनाने की विधि तो मैं बता दिया लेकिन इसके अतिरिक्त और भी जो विधियाँ हैं
जिसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जितना बताया गया उसे नोट्स बना करके उसे याद कर लीजिएगा, जहाँ से भी समझ में नहीं आएगा उसे कॉल करके आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।